सनसनी ऑफ इंडिया। शाहदरा स्पेशल स्टाफ ने पालतू व सड़क पर रहने वाली गायों को देर रात चोरी व हत्या करके उनका मांस बेचने वाले एक ऐसे गैंग को दबोचा है जो गाय चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने व अपने ठिकाने पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए इतनी स्पीड में गाड़ी चलाते थे कि 30 मिनट का रास्ता मात्र 5 मिनट में नाप लेते थे। यह गैंग इतना खूंखार व खतरनाक था कि गाय चोरी करने के बाद अपने ठिकाने पर पहुंचकर पलक झपकते ही जिंदा गाय के दर्जनों टुकड़े कर तुरंत ही गौ मांस को ठिकाने लगा देता था। गिरफ्तार गौ हत्यारों की पहचान 33 वर्षीय चांद उर्फ अरशद, 20 वर्षीय अरकम, 21 वर्षीय नसीम उर्फ अयान, 30 वर्षीय अनस व 23 वर्षीय अहमद गुफरान के रूप में हुई है। शाहदरा स्पेशल स्टाफ ने गाय के हत्यारों को दबोचने के लिए बहुत ही एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपराधियों की मूवमेंट व एक्टिविटी पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। यह एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है फिलहाल मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पता चलते ही अपराधी अलर्ट हो सकते हैं। हदरा आर सत्य सुंदरम ने बताया कि 15 फरवरी 2022 को सीबीडी ग्राउंड मजार से थाना आनंद विहार में गाय चोरी की एक कॉल आई थी। तुरंत ही थाना आनंद विहार में एफआईआर संख्या 178/22 धारा 379/429 11 पीसीए एक्ट और 4/12 डीएसीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। स्थानीय पुलिस ने अपने स्तर पर गाय चोरों को खोजने की हर संभव कोशिश की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। डीसीपी शाहदरा आर सत्य सुंदरम का शाहदरा जिले में क्रिमिनलों को क्लियर व कड़ा मैसेज है कि क्राइम छोटा हो या बड़ा क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि अपराध करके वो बच जाएगा। क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। डीसीपी शाहदरा आर सत्य सुंदरम ने गाय चोरों को दबोचने का काम शाहदरा स्पेशल स्टाफ को सौंपा और महेंद्र सिंह एसीपी ऑपरेशन की सुपरविजन व इंस्पेक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में एसआई विनीत प्रताप, प्रशांत हैद, कांस्टेबल अनुज, सर्वेश, राजीव, राजेश, सुधीर, देवेंद्र, सिद्धार्थ, विजय, सचिन, अंकुर, कांस्टेबल नितिन, कुलदीप, विपिन, हरकेश और जगमोहन की एक क्रेक टीम का गठन किया। गाय चोरी की घटना को 15 से 20 दिन हो गए थे, ऐसे में चोरों के खिलाफ सुराग जुटाने में शाहदरा स्पेशल स्टाफ को थोड़ी परेशानी का सामना तो करना पड़ा लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी। टीम ने नए सिरे से जांच करते हुए सबसे पहले वारदात वाले दिन का क्राइम सीन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डैम डाटा को स्कैन किया। जिस रूट से गाय चोरों के आने और जाने की आशंका थी, जांच टीम ने उस रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों व स्टॉप और रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डैम डाटा में गाय काटने के 3 मामलों में वांटेड अहमद गुफरान की लोकेशन क्राइम सीन पर दिखाई दी। अहमद गुफरान की लोकेशन क्राइम सीन के पास मिलने से इंस्पेक्टर विकास कुमार को समझने में देरी नहीं लगी कि यह कोई गाय चोरी की आम घटना नहीं है। एक आरोपी की पहचान होने पर इंस्पेक्टर विकास कुमार की टीम ने गाय चोरी घटना की बजाय गाय काटकर मांस बेचने वाले गैंग के एंगल पर काम करना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर विकास कुमार ने गाय हत्यारों के गैंग को दबोचने के लिए मुखबिरों का जाल बिछाने के साथ साथ आरोपियों की एक्टिविटी और मूवमेंट पर एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नजर रखनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर विकास कुमार को मुखबिरों से पता चला कि 10 व 11 अप्रैल की दरमियानी रात शाहदरा जिले में काउ स्लॉटर गैंग होंडा सिटी कार नंबर DL4CNC1898 से आ सकता है। इंस्पेक्टर विकास कुमार आरोपियों को दबोचने का यह मौका किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। इंस्पेक्टर विकास कुमार ने टीम के साथ तुरंत ही गीता कॉलोनी इलाके में अपना जाल बिछा दिया। स्पेशल स्टाफ की एक टीम एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आरोपियों की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। टीम को आरोपियों की लोकेशन सीमापुरी में दिखाई दी लेकिन मात्र 5 मिनट के बाद आरोपियों की लोकेशन आनंद विहार में थी, जो कि अपने आप में संभव नहीं था क्योंकि कार से सीमापुरी से आनंद विहार तक पहुंचने में कम से कम 30 से 40 मिनट का समय लगता है। थोड़ी देर बाद गौ हत्यारों की मूवमेंट गीता कॉलोनी इलाके में आती हुई दिखाई दी। इंस्पेक्टर विकास कुमार ने टीम को अलर्ट कर दिया। टीम ने होंडा सिटी कार नंबर DL4CNC1898 को बहुत तेज गति आते हुए देखा। टीम ने कार को रोकने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं रुके और फरार हो गए। लेकिन टीम ने भी तेज स्पीड के साथ काफी दूर तक कार का पीछा किया। आरोपियों को जब लगने लगा कि अब वो बच नहीं सकते हैं तो उन्होंने गीता कॉलोनी के चाचा नेहरू अस्पताल के पास पुस्ता रोड पर अपनी होंडा सिटी कार से स्पेशल स्टाफ शाहदरा की पुलिस कार को टक्कर मार दी।
टक्कर लगने के बाद भी शाहदरा स्पेशल स्टाफ ने गाड़ी का संतुलन बनाए रखा और बदमाशों की होंडा सिटी कार के बिल्कुल सामने पुलिस गाड़ी को खड़ा कर उनके भागने के रास्ते को रोक दिया। टीम ने चारों ओर से घेरकर आरोपियों पर काबू पाने की कोशिश की। आरोपियों में से एक ने देशी पिस्तौल से पुलिस टीम पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी चूक गया। एक आरोपी ने स्पेशल स्टाफ शाहदरा के एक एसआई पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे एसआई के दाहिने हाथ में चोट लग गई। बड़ी मशक्कत के बाद टीम ने सभी आरोपितों को काबू कर लिया। 11 तारीख का सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक इतला इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ लोग अपने एक होंडा सिटी सिल्वर कलर का गाड़ी पर गाय को काटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसका मूवमेंट है हमारे एरिया में, उस हिसाब से हमने तुरंत जो हमारा स्पेशल स्टाफ है इंस्पेक्टर विकास उनके अंडर में, एसीपी ऑपरेशन मोहिंदर सिंह उनके अंडर में हमने डिप्यूट किए हैं। ये टीम ने अपने पूरा एरिया में अपना लगवाया टीम, बाकी इसको सुबह सुबह इन्होंने स्पॉट किए हैं, अर्ली मॉर्निंग स्पॉट करके इसको चेस करने लगा। चेस करते करते गीदा कॉलोनी एरिया में इसमें काबू करके कंट्रोल करके इसको पकड़ा है। उससे पहले जो इसमें 5 लोग थे जो अक्यूज्ड है, उन्होंने गोली मारने के लिए भी कोशिश की है पुलिस के ऊपर। इसी चेसिंग में हमारे एक पुलिस वाला का भी इंजरी हुआ है। बाकी 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, इसमें हमने गाड़ी को भी हमने सीज की है, उसमें कुछ गाय का भी हमें जो कटे हुए वो मिला है। इसमें हमने तुरंत मुकदमा दर्ज करके इनको अरेस्ट करके बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। तार गौ हत्यारों की पहचान जिला अमरोहा तहसील हसनपुर थाना नंगली उत्तर प्रदेश निवासी 33 वर्षीय चांद उर्फ अरशद पुत्र रफीक व 20 वर्षीय अरकम पुत्र इशरार और विलेज एंड मोहल्ला नाला जिला संभल उत्तर प्रदेश निवासी 21 वर्षीय नसीम उर्फ अयान पुत्र जाहिसुद्दीन, 30 वर्षीय अनस पुत्र नासिर और 23 वर्षीय अहमद गुफरान पुत्र भूरा के रूप में हुई। तलाशी में गौ हत्यारों के पास से गाय का मांस, गाय के मांस को दुकानों तक ले जाने में इस्तेमाल होंडा सिटी कार नंबर DL4CNC1898, एक देशी पिस्तौल के साथ एक मिस्ड कार्टरेज, लगभग 1 फीट लंबे 2 चाकू और एक लंबा स्क्रू ड्राइवर बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले काफी समय से यमुना पार इलाके के थाना आनंद विहार, गाजीपुर व मयूर विहार में गौ हत्या की वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। आरोपियों ने आगे बताया कि एक गाय का मांस लगभग 20,000 रुपए में बेचते थे। दिनांक 10 व 11 अप्रैल की दरमियानी रात को उनकी गैंग ने शास्त्री पार्क, सीलमपुर और गोकुलपुरी इलाकों से सड़क पर रहने वाली 3 गायों को उठाकर श्यामगिरी मंदिर शास्त्री पार्क के पास उनकी हत्या कर दी। आरोपियों के खिलाफ थाना गीता कॉलोनी में FIR संख्या 46/22 धारा 186/353, 332/307, 153A, 295A, 429/34 और 4/7, 8/12 DACP एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों से गोमांस खरीदने वालों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आरोपी चांद और पार्षद की लंबी क्राइम हिस्ट्री है। यह थाना गाजीपुर, कल्याणपुरी व जगतपुरी में चोरी के 9 मामलों में पाया गया है। आरोपी नसीम उर्फ अयान थाना गीता कॉलोनी व आनंद विहार में गाय काटने के 2 मामलों में वांटेड था। आरोपी अनस पुत्र नासिर के खिलाफ थाना गीता कॉलोनी में गौ हत्या का पहले से ही एक मामला दर्ज है। आरोपी अहमद गुफरान थाना आनंद विहार, गाजीपुर व मयूर विहार में गौ हत्या के 3 मामलों में वांटेड पाया गया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज 7:30 सनसनी ऑफ इंडिया।
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।